हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दिया था और जेड ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, और उससे पहले हमने डिस्कस करा था कि जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। साथ साथ हमने फिर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी, उसके बाद हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। जेड ट्रांसफॉर्म यूनिट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेड ट्रांसफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन है एक्स जेड इज इक्वल टू 3 + 2z inverse + z - 2 डिवाइडेड बाई 1 - 3z inverse + 2z - 2। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसका हमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास xn है और अगर हम इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो आता है x ऑफ z, ये होता है z ट्रांसफॉर्म। इसी तरह अगर हमारे पास x ऑफ z है और हम अगर उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो आता है हमारे पास x ऑफ n, ये होता है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन में आज x ऑफ z है, गिवन है, उसका हम इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे x ऑफ n की। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें आज सॉल्व करना है। इनपुट पे हमारे पास गिवन है x ऑफ z और आउटपुट पर हमें फाइंड करना है x ऑफ n। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ये बस समझाने के लिए था। सबसे पहले हम क्वेश्चन है हमारे पास x ऑफ z इज इक्वल टू 3 + 2z inverse + z - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 3z - 1 + 2z - 2, ये क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 / z + 1 / z² / 1 - 3z + 2 / z². ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + LCM जब ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 3z² + 2z + 1 / z² / z² - 3z + 2 / z². अब z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास आया 3z² + 2z + 1 / z² - 3z + 2। ये हमारे पास x ऑफ z की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन था ये, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जहाँ जहाँ इनवर्स था उसे हमने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दिया और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x ऑफ z की। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है ये z² - 3z, ये आपको वहाँ कर नहीं दिखाना है +2, इसे बस सिंप्लीफाई यहाँ हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम इसे कर लिख सकते हैं z² - 2z - z + 2, यहाँ से z कॉमन आ गया इन दोनों में से, बचा आपका z - 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, ये आया z - 2, अब दोनों में z - 2 कॉमन है, z - 2 कॉमन लेने के बाद आया आपका z - 1, यानी कि z² - 3z + 2 के जो फैक्टर आए वो आए z - 1 × z - 2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कि xz आ गया आपका 3z² + 2z + 1 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह फैक्टर लिख दिए z - 1 × z - 2, ये वैल्यू आ गई x ऑफ z की। ठीक है, इसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करा है,
जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू को, वो ये फैक्टर आ गए, इसकी जगह फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, बस इतना ही करा है यहाँ पे। ये रफ है, इसको आपको नहीं लिखना है वहाँ पे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया है, मतलब जो हमें सॉल्व करना है वो है ये, क्या एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन जेड माइनस टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड z से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x ऑफ z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय z, जिससे हमने अभी डिवाइड किया दोनों साइड, इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन z प्लस b अपॉन z माइनस वन प्लस c अपॉन z माइनस टू। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जब a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो xn निकालना हमारे लिए आसान रहेगा, बाकी ऊपर का पार्ट रफ कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ये आ गया x ऑफ z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय z प्लस b डिवाइडेड बाय z माइनस वन प्लस c डिवाइडेड बाय z माइनस टू। इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ से हम a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हम देखते हैं कि वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो पुट z इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन वी हैव टू फाइंड b's वैल्यू देन दैट टाइम पुट z इज इक्वल टू वन, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड c वैल्यू दैट टाइम पुट z इज इक्वल टू टू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट z इज इक्वल टू ज़ीरो, तब a आ जाएगा हमारा x z डिवाइडेड बाय z, क्योंकि हम a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे z से। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं z से, तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो ये आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय z z माइनस वन z माइनस टू और इंटू जेड। ठीक है, यहाँ पर जब हमने z से एक बार और से देख लेते हैं, जब a की वैल्यू निकालनी है तो पुट z इज इक्वल टू ज़ीरो, जब b की वैल्यू निकालनी है पुट z इज इक्वल टू वन, जब c की वैल्यू निकालनी है पुट z इज इक्वल टू टू। अब हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट पुट z इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a आ गया xz बाय z इंटू जेड से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हो गया थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। तो यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, अब ये आ गया थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। हमें पुट करना है जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया थ्री इंटू ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस वन इंटू ज़ीरो माइनस टू, यानी कि ये आ गया ऊपर से थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ऊपर आया वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू माइनस टू, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस टू बिकम्स टू। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाय टू, ये आ गया हमारे पास ए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारे पास a आ गया है वन बाय टू, ये तो आ गई a की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालनी है b की वैल्यू, तो इसे रफ कर देते हैं, जैसे a की वैल्यू निकाली है उसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू वन, पुट z इज इक्वल टू वन,
पहले हमने z इज इक्वल टू जीरो पुट किया था, अब पुट z इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x ऑफ z डिवाइडेड बाय z, साथ में हम इंटू z माइनस वन कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आ गया 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इंटू z माइनस वन डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस वन इंटू z माइनस टू। ये एक बार और समझ लीजिए, जब हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमने किया पुट z इज इक्वल टू वन, क्योंकि b के नीचे z माइनस वन है, तो हमने z माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ गया xz डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस वन, इसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब z माइनस वन से z माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद वैल्यू आएगी हमारे पास 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस टू। अब z की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 1, तो z की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1 होता है तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस, यस इट इज 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर से आपका 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये आ गया माइनस 6। तो हमारे पास यहाँ से ये b की वैल्यू है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, b की वैल्यू हम निकाल रहे थे तो हमने पुट z इज इक्वल टू 1 लिया, हमारे पास जो क्वेश्चन था वहाँ दोनों साइड न्यूमरेटर में हमने z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें z इक्वल टू 1 फाइंड करना है, बस फिर वैल्यू z की वैल्यू 1 पुट करी, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग टर्म्स में 1 वैल्यू पुट करके b की वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं b आ गया हमारे पास माइनस 6। ठीक है, अब इसी तरीके से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे रफ कर देते हैं, क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट z इज इक्वल टू 2। अब हम फाइंड कर रहे हैं c इज इक्वल टू एक्स जेड डिवाइडेड बाय z, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू z माइनस 2 दोनों साइड न्यूमरेटर पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, और ये न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो गया z माइनस 2। ठीक है, दोनों साइड z माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, अब यहाँ पे z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो है आपकी 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 1। बस अब यहाँ पे हम z की वैल्यू जो 2 है वो हम पुट कर देंगे, तो अब यहाँ पर c फाइंड कर रहे हैं हम, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि z की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी हमने, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आ गया 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 4 हो गया 12 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 2, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। तो a b c हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू आई है 17 बाय 2, तो a को हम लिख सकते हैं 0.5, b तो हमारा माइनस 6 है ही, c आ गया माइनस 8.5, क्योंकि 17 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 8.5, तो ये a b c तीनों की वैल्यू आ गई, ये बाकी जो हमने सॉल्व करा है इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि x z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू a अपॉन z
प्लस बी डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन प्लस सी डिवाइडेड बाय जेड माइनस टू। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा x z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू a है हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय z प्लस b है हमारा माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय z माइनस वन प्लस c है हमारे पास ये प्लस 8.5 है तो ये आ गया प्लस 8.5 डिवाइडेड बाय z माइनस टू। तो इसे हम लिख सकते हैं x z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय z माइनस 6 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाय z माइनस 2। ठीक है, अब ये जो z है उसे हम दोनों साइड इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में है यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा z, तो इसे रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। और यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू आ गई हमारी, जब हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.5 इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 6 इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 प्लस 8.5 इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2। अब यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू आ गई हमारी, जेड से जेड कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये बचा यहाँ 0.5, फिर यहाँ पर आया माइनस 6z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 प्लस 8.5z डिवाइडेड बाय z माइनस 2। इसे रफ कर देते हैं तो हमारे पास xz आया 0.5, xz इज इक्वल टू 0.5 माइनस 6z अपॉन z माइनस 1 प्लस 8.5z अपॉन z माइनस 2। अब हमें इसमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी कि इसमें अगर हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वी नो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेल एन होता है यानी कि जो इम्पल्स सिग्नल है उसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो आता है 1। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ए की पावर एन यू एन है इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये आता है हमारे पास z अपॉन z माइनस a। ठीक है, ये हम अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम डेल n का z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो आता है 1, और अगर हम a की पावर n u n का z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो आता है z अपॉन z माइनस a। तो बस अब इसी का यूज़ करना है, और ये जो हमारे पास z ट्रांसफॉर्म है इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो xz है वो यहाँ पे 0.5 है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.5 डेल n। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो 1 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है, यानी कि 0.5 इंटू 1, और अगर हम उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो आएगा 0.5 डेल n। इसी तरीके से माइनस 6 ये हमारा a की पावर n यू एन है, यानी कि z अपॉन z माइनस a है, यानी कि z अपॉन z माइनस 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर n, 6 तो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में उसे एज इट इज रहने दिया, इंटू 1 की पावर n, और ये आ गया हमारे पास यू एन। ठीक है, प्लस अब 8.5 हमारे पास कांस्टेंट है उसे एज इट इज रहने दिया, इंटू हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n यू एन, ये आ गया। ठीक है, अब 1 की पावर n है, 1 की पावर n का क्या मतलब है, 1 की पावर n यानी कि 1 ही हुआ, तो हम इसे यहाँ 6 इंटू 1 मतलब हम 6 कह सकते हैं, तो ये हम सिंप्लीफाई करके इसे लिख देंगे कि हमारे पास x, ये हम एक्स एन फाइंड कर रहे हैं, ये एक्स एन है, तो एक्स एन यानी कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गया 0.5 डेल एन माइनस 6 यू एन प्लस 8.5 2 की पावर n यू एन, ये हमारे पास इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आ गया है।
जो कि हमारा एक्स एन है, वो क्या आया हमारा, एक्स एन इज इक्वल टू 0.5 डेल एन माइनस 6 यू एन प्लस 8.5 2 की पावर एन यू एन। तो आपने देखा कि कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन थी वो बस हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म गिवन था और हमें उसमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक आरओसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास आरओसी दी हुई हो तब हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। फिर आप इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आरओसी हमारे पास गिवन होगा तब हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।